आपको याद होगा कि हम चैप्टर नाइन पढ़ रहे थे क्या हम चैप्टर नाइन पढ़ रहे थे और उसमें जो दरअसल हमारा टॉपिक था वो था जेनेटिक इंजीनियरिंग कि किस तरह से जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया बनाए जाते हैं यानी इसमें हम जीन्स को चेंज कर देते हैं किस लिए चेंज करते हैं ताकि हम उसे अपने मकसद के लिए यूज कर सकें जिसे हम कहते हैं आर डी एन ए टेक्नोलॉजी इसी का दूसरा नाम है आर डी एन ए टेक्नोलॉजी इसलिए कि दरअसल इसमें जो आर डी एन ए बनता है इसका मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डी एन एसा डी एन ए जिसके कॉम्बिनेशन को हमने चेंज किया हो और यह हम क्यों चेंज करते हैं इसलिए कि दरअसल हम जो जीन्स होते हैं उसको डिजायर जीन से चेंज कर लेते हैं डिजायर जीन का मतलब होता है ऐसा जीन जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है ऐसा जिसमें हम दिलचस्पी रखते हैं या जिससे कोई ना कोई हम प्रॉपर्टी या कोई फीचर हासिल करना चाहते हैं जिस तरीके से आपको पता है कि दुनिया में जो सबसे मशहूर राइस है या सबसे अच्छी वैरायटी है राइस की उसका नाम इरी राइस है और इरी जो है उसे कहते हैं उर्दू में बासमती चावल तो दरअसल ये प्रोडक्ट जो है वो आयरलैंड की है इसलिए इसको इरी राइस कहते हैं इस तरीके से कहते हैं कि पाकिस्तान और मैक्सिको के कॉम्बिनेशन से एक नई वैरायटी वीट की तरफ की गई है बनाई गई है इसको हम कहते हैं मैक्सी पाक वीट तो दरअसल पुराने जो तरीके थे उसमें हम दरअसल दो प्लांट्स की क्रॉसिंग करवाया करते थे तो क्रॉस करके नए कॉम्बिनेशन फॉर्म किए जाते थे जैसे मैक्सिकन और पाकिस्तानी वीट का कॉम्बिनेशन बनाया गया पाक वीट लेकिन आजकल ये काम जो होता है वो बड़े आसानी से हम लैब में कर लेते हैं और उसका रीज़न ये है कि हम इसके लिए बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं तो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल सा है और उस प्रोसेस में हम करते ये हैं कि दरअसल हम चेंज कर लेते हैं जीन्स और वो जीन जो है उसके को रिप्लेस कर देते हैं अपने डिजायर जीन से यानी वो जीन जो कि हम उसमें देखना चाहते हैं या कोई ना कोई डिजायर प्रोडक्ट हम बनवाना चाहते हैं बैक्टीरिया से या वो काम जो यूजुअली बैक्टीरिया नहीं करते वो हम उनसे करवाते हैं और आपको ये भी पता होगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो ए माइटोसिस से डिवाइड होते हैं ए माइटोसिस ऐसी सेल डिवीजन होती है जिसमें स्पिंडल की फॉर्मेशन नहीं होती इसलिए कि जो वर्ड है ए का मतलब होता है विदाउट और माइटो का मतलब होता है थ्रेड कौन से थ्रेड यानी स्पिंडल फाइबर्स बगैर स्पिंडल फाइबर के और सिस का मतलब सिस्टर नहीं सिस प्रोसेस को कहते हैं जिससे एक बैक्टीरिया दो में डिवाइड हो जाते हैं और ये प्रोसेस जो है वो ट्वेंटी मिनट्स में कंप्लीट होता है तो इसलिए दरअसल इसमें फ़ायदा ये होता है कि ये काम बैक्टीरिया से करवाया जाए तो बैक्टीरिया ग्रो बहुत जल्दी हो जाते हैं इस तरीके से अगर हम एक बैक्टीरिया के जीन को चेंज करेंगे तो एक बैक्टीरिया जो है वो दो बैक्टीरिया में चेंज हो जाएगा कितनी देर में सिर्फ बीस मिनट में और इसी तरीके से एक घंटे में कितने बैक्टीरिया फॉर्म होंगे अगर इसी तरीके से डिवाइड होते रहें बैक्टीरिया तो दरअसल कितने बैक्टीरिया फॉर्म होंगे तो एक घंटे में कितने बैक्टीरिया फॉर्म होंगे तो इसका आंसर है अगर आंसर दिया जाए टू और, सिक्स और एट तो एक घंटे में जो है वो एट बैक्टीरिया फॉर्म होंगे ऐसा क्यों होगा इसलिए दरअसल एक बैक्टीरिया डिवाइड होगा और उससे दो बैक्टीरिया बन जाएंगे और ये काम चूंकि ट्वेंटी मिनट में होता है इसलिए ट्वेंटी मिनट में ऐसा होगा फिर दो डिवाइड होंगे और वो फोर में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और ये ट्वेंटी मिनट मजीद यानी फोर्टी मिनट लगेंगे इसके लिए फिर फोर डिवाइड होंगे तो फोर का डबल होता है एट तो वो एट हो जाएंगे थर्ड डिवीजन के साथ और इस तरीके से ये सिक्सटी मिनट में यानी एक घंटे में पूरा हो जाएगा तो ये दरअसल टेस्ट वाले पूछते हैं कि अगर बैक्टीरिया जो है डिवाइड हो तो आफ्टर वन आवर कितने बैक्टीरिया होंगे यानी एट बैक्टीरिया होंगे एक घंटे के बाद और आपको पता है कि एक बैक्टीरिया तो होता ही नहीं मिलियंस के हिसाब से बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और इसी तरीके से अगर ये एक मिलियन है एक घंटे के बाद एट मिलियन हो जाएंगे और कभी कभी एप्टीट्यूड में ये पूछा जाता है कि जो बैक्टीरिया की डिविजन कितने टाइम्स में होती है यानी ये फर्स्ट टाइम में होती है सेकेंड टाइम में होती है थर्ड टाइम में होती है ये फोर टाइम्स में एट बैक्टीरिया फॉर्म होते हैं दिस इज फॉर्म बाय फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन या फोर्थ डिवीजन आंसर है थर्ड डिवीजन जिससे कि ये फर्स्ट टाइम डिवाइड होंगे तो ये टू फॉर्म होंगे सेकंड टाइम डिवाइड होंगे तो ये फोर होंगे और ये थर्ड टाइम डिवाइड होंगे तो एट हो जाएंगे इस तरह से टोटल एट बैक्टीरिया एक घंटे में बन जाएंगे इस तरीके से ये बहुत स्पीडिली डिवाइड होते हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि वो काम जो हमें कई बहुत महीनों में करना हो वो बैक्टीरिया हमें चंद घंटों में कर देते हैं इस तरीके से जैसे उर्दू में एक महावरा इस्तेमाल किया जाता है घंटों का काम मिनटों में यानी जो तो घंटों का काम है वो मिनटों में मुकम्मल हो जाता है और इसके लिए जो सिंपल सा प्रोसेस है कि ये क्या किया जाता है इसके लिए तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस किया जाता है इसे करने के लिए लेकिन सिंपल जो है वो दरअसल ऐसा है कि हम लेते हैं एक बैक्टीरिया और सबसे पहले उसके प्लाजमेट को जो है वो बाहर निकाल लेते हैं इसको बाहर निकाल लेते हैं प्लाजमेट को जिससे कि जीन जो है वो हम प्लाजमेट में एंटर करते हैं जीन जो है वो हम प्लाजमेट में एंटर करते हैं और प्लास्मिड के बारे में हमने ये पढ़ा था कल कि प्लास्मिड जो हैं वो एक सर्कुलर डीएनए होते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर जिनके जीन्स को ह्यूमन इजीली चेंज कर सकते हैं और ये वो जीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया इजीली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं ये एक्चुअली प्लास्मिड का, का काम क्या होता है ये हमने कल पढ़ा था कि इसमें जो सर्कुलर प्लाजमिट है ये सर्कुलर डीएनए है इसका काम फर्टिलिटी को इंक्रीज करना होता है यानी फर्टिलिटी जिसको हम जरखेज़ी कहते हैं तो इसमें ज़रखेज़ी क्या होती है कि बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से डिवाइड या बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं तो इन बैक्टीरिया की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए प्लाजमेड ही काम आते हैं दूसरा इसका काम होता है कि ये एंटीबायोटिक्स से बचाते हैं किसी बैक्टीरिया को एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से और इस तरीके से एंटीबायोटिक्स के खिलाफ जो रेजिस्टेंस होती है वो भी दरअसल इसी प्लास्मिड की वजह से होती है और इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि बैक्टीरिया में कोलोसिन का काम भी करता है कॉलोसिन का मतलब होता है कि जो नेबरिंग कल्चर होता है किसी बैक्टीरिया का उसको ये किल कर देते हैं कोलीसिन कुछ केमिकल ये फॉर्म करते हैं जिसकी वजह से जिसकी वजह से उसके नेबरिंग बैक्टीरिया मर जाते हैं चूंकि ये काम इकोलाई करते हैं इसलिए इसको कॉली कहते हैं जो कि ये ब्रेक डाउन करते हैं या किलिंग करते हैं इसलिए सिन कहते हैं इस तरीके से बना ऐसा केमिकल किलिंग केमिकल जो इक्वलाई बनाते हैं उसे हम कॉलिसिन कहते हैं और इसी की इस प्रॉपर्टी को भी हम कॉलिसिन ही कहते हैं यानी नेबरिंग बैक्टीरिया को किल कर देता है अगर हमें इस प्लाजमेट की ज़रूरत है तो इस प्लाजमेट को हम निकालेंगे कैसे तो दरअसल कहते हैं कि हम फर्स्ट ईयर वाली टेक्निक इस्तेमाल करेंगे फ्रैक्शनेशन यानि इसे ब्रेक करेंगे पहले इसको ब्रेक किया जाता है और फिर क्या किया जाता है हल्की और भारी चीज़ को अलग करने के लिए एक सेकेंड स्टेप किया जाता है सबसे पहले फ्रैक्शनेशन यानी इसको ब्रेक करते हैं और उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो क्या होता है तो इसमें जो सेकेंड स्टेप है दैट इज नॉट इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस दरअसल डिफरेंट है अगर हमें सिर्फ डीएनए चाहिए हो तो इसके लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो यहाँ पे हमें लाजमट चाहिए ये जो रेगुलर डीएनए है ये नहीं चाहिए एक्स्ट्रा डीएनए इसे हासिल करने के लिए शायद आपको पता हो कि इसमें जो सेकेंड स्टेप है जो फर्स्ट ईयर की बुक में लिखा हुआ है फ्रैक्शनेशन के बाद दूसरा स्टेप उसे हम कहते हैं सेंटीफिगेशन। सेंटीफिगेशन का मतलब होता है स्पिन इसे गोल घुमाया जाता है ट्यूब को हम गोल घुमाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ़िकेशन इस वजह से इसमें ऐसा होता है कि हल्की और भारी चीजें अलग अलग हो जाती हैं जो भारी चीजें होती हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं और उसी को हम कहते हैं सेडिमेंट्स तो जो बैठ जाती हैं सेडिमेंट्स होती हैं और जो हल्की होती हैं जो फ्लोट करती हैं उनको हम कुछ और कहते हैं जो हल्की होती हैं जो ऊपर होती हैं उनको हम क्या कहते हैं उनको गोम सुपरनेटेंट कहते हैं सुपरनेटेंट जो सरफेस पे आती हैं उसको सुपरनेटेंट कहते हैं और जो सेटल डाउन हो जाती है उनको सेडिमेंट्स कहते हैं तो ये हमें हल्की और भारी चीजों का पता चलता है ये कौन सी हल्की चीज है कौन सी भारी तो जो भारी होती है वो नीचे बैठ जाती हैं जो हल्की होती हैं वो सरफेस पर आ जाती है किसकी वजह से गोल घुमाने के एक्शन से और इस घोल या सर्कुलर टेस्ट ट्यूब्स को इस तरह से यू मूव किया जाए तो इसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं इस तरह केस में जो दरअसल सेपरेशन होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होती है एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जो से द सेंटर लाती है और होती है जो अवे फ्रॉम सेंटर लेकर आती है शायद आपको पता हो कि जो वॉशिंग मशीन है उसमें ड्रायर होता है और ड्रायर जो होता है वहां पर भी स्पिन एक्शन होता है स्पिन एक्शन का मतलब होता है वो ड्रायर गोल 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 घूमता है जब वो गोल घूमता है तो पानी चूंकि भारी होता है इसलिए नीचे हो जाता है और कपड़े हल्के होते हैं इसलिए ऊपर रहते हैं इस तरह से उसमें रिन्स हो जाते हैं वो यानी कपड़ों को निचोड़ लिया जाता है तो निचोड़ने का काम एक स्पिन एक्शन से होता है तो वो जो दरअसल स्पिनर होता है ये जो ड्राई करने के लिए स्पिनर होता है वो ऐसे में स्पिन यानी गोल गोल घूमता है तो वहां पर भी यही काम हो रहा होता है पानी भारी होता है उसके ऊपर नीचे आ जाता है कपड़े हल्के होते हैं इसके ऊपर रह जाते हैं तो ये ड्राई करने का एक तरीका है स्पिनिंग का ऐसा ही एक्शन जो है वो दरअसल इस टेस्ट ट्यूब के जरिए किया जाता है कि हम इसमें मुख्तलिफ स्पीड जनरेट कर सकते हैं और जो पर्टिकुलर स्पीड होती है उससे ये जो गोल वाले प्लास्मिट्स हैं वो सेपरेट हो जाते फिर क्या किया जाता है फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं और नेक्स्ट स्टेप ये है कि इस प्लास्मेट में अगर हमें जीन फिट करना है तो सबसे पहले हमें जगह बनानी पड़ेगी जैसे केमिस्ट्री में भी हम ये करते हैं कि बॉन्ड्स जो हैं जो ऑलरेडी मौजूद होते हैं उनको हम ब्रेक करते हैं अगर हमें कोई नई चीज़ ऐड करनी है तो पुराने बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है ताकि नई चीज़ इसमें ऐड हो सके तो यहाँ पर भी कोई जगह तो नहीं है सबसे पहले जीन के लिए जगह बनानी पड़ेगी तो जीन के लिए जो जगह बनाते हैं वो एक एंजाइम है जिससे डीएनए को कट किया जा सकता है जिसको मोलिकुलर सीज़र या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं मोलिकुलर सीज़र या डीएनए एन कटर या एंडो या रिस्ट्रिक्शन या इंसान इसका नाम रिस्ट्रिक्शन इसलिए कहते हैं इसे इसलिए कि इसको हमने बैक्टीरिया से डिस्कवर किया था और जिस बैक्टीरिया से इसको डिस्कवर किया गया था उस बैक्टीरिया का नाम की e. है और इसे रिस्ट्रिक्शन इसलिए कहते हैं कि दरअसल जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया के अंदर वायरस की उसको बैक्टीरिया स्टॉप करते हैं रोकते हैं रिस्ट्रिक्ट करते हैं रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब होता है कि उसको एक दायरे में रखते हैं ज्यादा बढ़ने नहीं देते उसकी तादाद और इस तरीके से चूंकि वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं उनकी डिवीजन इसलिए हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं जैसे कि मैंने आपको ये डायग्राम में बताया था कि वायरस नोन नेम इज गिवन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू दिस उसका ये रीजन है कि वायरसेस जब बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं तो ये कुछ इंजाइम बनाते हैं वायरसेस के डीएनए को ब्रेक कर इसलिए कि वायरस के बारे में आपको पटा हो पता होगा कि जो इकोलाय है वो बैक्टीरिया पर जो वायरस अटैक करता है उसका नाम बैक्टीरियो फेज है और बैक्टीरियो फेज में ये होता है कि जिसकी जो प्रोटीन कोट होती है कि वायरसेस बड़े गरीब होते हैं गरीब इस लिहाज से होते हैं कि इन विचारों के पास अलावा दो के कोई और तीसरी चीज होती ही नहीं है इसके पास या तो प्रोटीन का कोट होता है यानी कवर या फिर डीएनए होता है और ये जो प्रोटीन का कवर होता है आपने ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि जब भी वायरस किसी बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो वो प्रोटीन का कोट बाहर रह जाता है आउटसाइड द होस्ट या आउटसाइड द बॉडी और ये कहलाता है गोस्ट और गोस्त का मतलब होता है भूत तो क्योंकि इसकी असल रूह जो है इसकी जो असल सोल है वो दरअसल क्या है इसकी असल सोर्स जो है वो दरअसल इसका डीएनए है तो डीएनए अंदर चला जाता है प्रोटीन कोड बाहर रह जाता है फिर सबसे पहला काम ये करवाता है इस वायरस का ये काम होता है फर्स्ट ईयर में ये भी बात आपने पढ़ी होगी कि रीजन में पूछा जाता है कि वायरस जो है उसको होस्ट की जरूरत क्यों है यानी इसका जो होस्ट है जिसका नाम ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया जिसका नाम ईकोलाई है तो ये इसे होस्ट की जरूरत क्यों है इसलिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं विच कैन नॉट लिव विदाउट द होस्ट तो वायरस जो होते हैं वो भी ऐसे ही पैरासाइट्स हैं विच कैन नॉट लिव विदाउट द होस्ट और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकते उनके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं और वो टर्म क्या होती है वो टर्म होती है ओब्लीगेट पैरासाइट ऑब्लीगेट पैरासाइट वो होते हैं विच कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द होस्ट जो होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकते और दूसरे फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं ये तो जो फैकल्टेटिव पैरासाइट हैं और पैरासाइट हैं इनके मतलब हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर फाइव में भी पढ़ा था कुछ और मजीद हम चैप्टर मजीद हम चैप्टर जो है बॉटनी का उसमें पढ़ेंगे मुख्तलि पैरासाइट एंडो पैरासाइट एक्टो पैरासाइट फिर एंडो की मजीद जो है वो टाइप्स हैं इंट्रा सेलोलर पैरासाइट एक्स्ट्रा सेलोलर पैरासाइट इंट्रा वो जो सेल्स के अंदर रहते हैं एक्स्ट्रा पे इंटेस्टिनल पैरासाइट्स होते हैं जो इंटेस्टाइन में रहते हैं लिवर के पैरासाइट होते हैं बॉडी कैिटी में और मुख्तलि जगहों पर पे पैरासाइट भी होते हैं और वो जो अपने होस्ट के बगैर जिंदा रह ही नहीं सकते वायरस ऐसा पैरासाइट है तो ऐसी क्या रीज़न है कि वायरस कैन नॉट लिव विदाउट द दा होस्ट ये होस्ट के बगैर क्यों जिंदा नहीं रह सकते ये एक रीज़न है और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड में क्वेश्चन इस तरह से नहीं होते एप्टीट्यूड के बारे में कहते हैं कि हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में एमसीक्यू ऐसे होते हैं जैसे राइट ईयर को राइट हैंड से टच करना और जो एप्टीट्यूड होता है उसे कहते हैं कि राइट right ईयर को लेफ्ट से टच करना लेफ्ट साइड से यानी वो सवाल को घुमा कर देते हैं सीधा साधा सवाल होता है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक इस्तेमाल होती है कोई ना कोई इसमें लॉजिक होती है उसकी बेस के ऊपर वो क्वेश्चन होता है और इस तरीके से उसी लॉजिक की बुनियाद के ऊपर वो सॉल्व किया जाता है जैसे क्वेश्चन है और वो है स्टारफिश के मुतालिक के रावी जो है रावी उसमें एक एक्सपेडिशन गया कुछ एक्सपर्ट्स गए रावी में स्टारफिश को स्टडी करने के लिए जब वो अर्ली इन द मॉर्निंग थे तो उन्होंने दस स्टारफिश कलेक्ट की दस स्टारफिश और इस तरीके से जब वो दोपहर में गए तो उन्होंने सिर्फ दो स्टारफिश कलेक्ट की शाम को गए तो उन्होंने फाइव स्टार कलेक्ट की रात को गए तो फिर उन्होंने ट्वेंटी स्टार कलेक्ट और इसी तरीके से अगर उसमें रीज़न पूछा जाए कि भाई ऐसा क्यों है तो उन्होंने ए रीज़न दिया कि ये जो है वो दरअसल कहते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से है दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट और इसमें उन्होंने दूसरा रीजन दिया दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इम प्रॉपर कलेक्शन दिस इज बिकॉज ऑफ देयर इम प्रॉपर कलेक्शन कि उनका कलेक्शन जो था वो प्रॉपर नहीं था सी उन्होंने रीज़न दिया बिकॉज दे हैव डिस्टर्ब काउंटिंग उनके काउंटिंग जो है उसको मिस किया इस वजह से ऐसा हुआ और इस तरीके से जो डी आंसर है वो था नन ऑफ द अबाव यानी उनका क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ऐसा हो रहा है यानी क्लाइमेट यानी वेदर जो है वो ऐसा हो रहा है या इसी तरीके से उन्होंने क्या जो है उन्होंने मिसकाउंट किया या उन्होंने प्रॉपर कलेक्शन नहीं किया नन ऑफ द रीज़न कि आप में से कोई बता सकते हैं इसका रीजन क्या है इसमें भी देखें एक लॉजिक है क्लाइमेट चेंज किसी ने आंसर दिया क्लाइमेटिक चेंज तो इसका आंसर ये नहीं है दिस इज नॉट द रीजन तो दरअसल कहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जस्ट टू मेक यू फूल आपको बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने काउंट बताया इसका आंसर है डी और डी आंसर इसका क्यों है डी आंसर इसलिए है कि अगर आपने मेरी बात गौर से सुनी होती तो मैंने बताया था कि एक्सपेडिशन कहां पर गया था रावी में आर ए वी आई वट इज रावी तो रावी एक दरिया का नाम है जो लाहौर में है और आपको ये पता होना चाहिए कि स्टाफिश दरिया में होती ही नहीं है क्या स्टारफिश दरिया में होती हैं यानी रिवर में होती हैं नो दीज आर मरीन ऑर्गेनिज्म इसलिए टी के फाइलम जे जिनका ता, जिस फाइलम से इनका ताल्लुक है वह एकाइनो और एकाइनो वो फाइलम है विच आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल एक्सक्लूसिवली मरीन का मतलब होता है दे आर फाउंड ओनली इन सी वाटर दे डोंट फाउंड एनीवेयर एल्स इसी तरीके से कभी कभी क्वेश्चन देते हैं कि ऐसे किसी स्टारफिश का नाम सॉरी ऐसे किसी काम का नाम बताएं जो पैरासाइट हो तो इनमें कोई पैरासाइट नहीं होता या इसी तरीके से ऐसे किसी काम्स का नाम बताएं जो लैंड पर होता है वो लैंड पर भी नहीं होता सही या नहीं इसी तरीके से कहते हैं कि बच्चों को फूल बनाने के लिए क्वेश्चन और भी है उन्होंने तो कह कि दरअसल आपको पता है आई लैश के मुतालिक क्वेश्चन पूछा आई लैश और पूछा गया कि आई लैश सबसे बड़ी किसकी होती हैं विच वन हैज द लॉन्गर आई लैशेस ए में जो आंसर था वो था क्रोकोडाइल ए का आंसर था क्रोकोडाइल जो बी आंसर था बी आंसर वो था लिजर्ड और जो सी आंसर था वो था पिजन सी आंसर है पिजन और डी आंसर है नन ऑफ दीस डी आंसर है नन ऑफ द अबव तो आपके ख्याल में कौन सा सही आंसर है कि सबसे longer eyelashes किसकी होती हैं क्रोकोडाइल की लेजर्ड की या पिजन की तो अब भी आंसर जो है वो क्या है डी ही करेक्ट आंसर है जिसने बताया कि डी करेक्ट आंसर है वो इसका रीजन भी बता दे मुझे वाई वाई दे है इसका आंसर डी, डी इसलिए है कि आई लैश हेयर होते हैं और हेयर मैमल का कैरेक्टर है मैमल के अलावा किसी की बॉडी पे हेयर नहीं होते है.

इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं अगर आप उसे केयरफुली ना पढ़ें आंसर सही नहीं होते तो बात हो रही थी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की तो इनका नाम एंजाइम जो है वो क्यों रखा गया था इनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसलिए कहते हैं कि वो रिस्ट्रिक करता है ग्रोथ को किसकी ग्रोथ को वायरस के डीएनए को और वायरस के डीएनए को एक्चुअली ब्रेक कर देते हैं इससे पहले कि वायरस इनको कोई डैमेज कॉज करे कोई नुकसान पहुंचाए कि वायरस इनके से कोई डैमेज कॉज करे या नुकसान पहुंचाए इससे पहले ये वायरस को किल कर देते हैं सही या नहीं जिस तरीके से आपने प्रिजनर ऑफ जेंडा नहीं नॉट प्रिजनर ऑफ जेंडा आपने जो है वो अगर पढ़ाई होगी वन टू एक्ट तो जो है टू एक्ट प्ले जो है इंग्लिश में वन टू एक्ट प्ले अगर आपने पढ़े हैं तो इसमें अल्बर्ट के मुताबिक कुछ लिखा है कि उनका जो है वो दरअसल दोनों का सामना होता है दोनों के पास सॉर्ड होती है अगर उसके अलावा दोनों के पास गन होती तो उसमें से जो पहले फायर करे दूसरा मर जाएगा तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि दोनों में से कौन किसको किल करेगा वायरस बैक्टीरिया को करेगा या बैक्टीरिया वायरस को करेगा इससे पहले कि वायरस को, को कोई डैमेज कॉज करे इसके डी एन ए कोई ब्रेक कर देता है और दरअसल कहते हैं कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसको होस्ट की जरूरत क्यों होती है तो उसका रीजन ये है दरअसल इसमें एंजाइम सिस्टम नहीं होता पहली बात तो ये है और शायद आपको पता हो कि वायरसेस बड़े गरीब होते हैं ये अपने कपड़े भी नहीं बना सकते तो यहाँ पे कपड़ों से मुराद बाकी कपड़े तो पहनते नहीं है कपड़ों से मुराद है कि उनका डी का कोट डी ए सॉरी जो प्रोटीन का कोट है वो भी ये खुद से नहीं बना सकते क्यों इस कि जो प्रोटीन है ये कौन बनाता है तो हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर फोर में पढ़ा है कि प्रोटीन बनाने वाले स्ट्रक्चर्स सेल में कौन से होते हैं क्या आप में से कोई बता सकता है कि स्ट्रक्चर इज़ इज़ इन द सेल फॉर प्रोटीन? राइबोसोम यस करेक्ट आंसर तो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं वायरसेस में राइबोसोम होते ही नहीं है इसलिए अपनी प्रोटीन भी नहीं बना सकते इसीलिए इनको होस्ट चाहिए कि होस्ट उनको जो है वो प्रोटीन बना कर देगा यानी बैक्टीरिया में राइबोसोम्स होते हैं इसलिए तो इस पर अटैक करते इसलिए हैं कि अपने काम भी इसने ही करवाने होते हैं बैक्टीरिया से तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को बैक्टीरिया से डिस्कवर किया गया था और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो होते हैं जो डीएनए को ब्रेक कर देते हैं और दरअसल कहते हैं कि यही डिस्कवरी जो है वो एक रेवोल्यूशन लेकर आई किस चीज़ में मोलिकुलर स्टडी में जो आजकल हम सारी मोलिकुलर बायोलॉजी और जो जेनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं जो बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं अगर ये एंजाइम डिस अगर ये ना होता डिस्कवर तो ये सारी तरक्की होती ही नहीं यानी हम इस क़बिल ही नहीं होते कि जीन्स को जो है वो कट कर सकें और फिट कर सकें तो दरअसल कहते हैं कि कट करने के लिए जो जो है एंजाइम है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है किस चीज़ को कट करेंगे प्लाजमिट को प्लाजमिट क्या है इसी में तो हमने जीन फिट करना है तो यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि इसके लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं इसके लिए हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं जो डीएनए एन कटर है जिसको कट कर देता है फिर हमें एक डिज़ायर्ड जीन चाहिए जो हमने इसमें फिट करना है जैसे अगर इस एग्जांपल में यहाँ पे ह्यूमन का इंसुलिन जीन हो यानी वो जीन हमने इस बैक्टीरिया से अगर इंसुलिन बनवानी हो तो फिर क्या करेंगे तो दरअसल कहते हैं कि ह्यूमन के पेनक्रियास का सेल लेंगे उस पेनक्रियास के सेंटर में क्रोमोसोम होंगे उस क्रोमोसोम पर जीन्स होंगे ये हम चैप्टर इसी में पढ़ेंगे कि हमने 99 99 परसेंट जो है वो जीन डिस्कवर कर लिए सिर्फ आपको आवाज नहीं आ रही है किसी को आवाज नहीं आ रही है अगर किसी एक को आवाज नहीं आ रही है तो मेरा ख्याल नेट का इशू होगा और अगर किसी को नहीं आ रही है तो फिर मेरा इशू होगा एवरीबडी कैन हेयर मी और दे के नॉट हेयर मी आर दे और आर दे आ रही है मुझे कोई नहीं आ रही सिर्फ एक को नहीं आ रही है बाकी सबको आ रही है एवरीबॉडी कैन हेयर जस्ट वन कैनॉट तो या तो इसके माइक के साथ कोई इशू या स्पीकर के साथ या नेट के साथ know, कोई ना कोई इशू होगा यहाँ पर सिंपल सी बात यह है क्या कि इसे इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ब्रेक करते हैं फिर यहाँ पे इस क्रोमोसोम से वो जीन निकालते हैं जो डिजायर्ड जीन होता है यानी वो जीन जिसकी हमें ज़रूरत है इसे हम किस तरह कट करेंगे इसी भी सेम इसी तरह से वही प्रोसेस है कि इसको भी निकालेंगे फिर जीन से ब्रेक करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है दोनों सेम ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं जो बाद में डिस्कवर की गई हैं तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसे कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसे कट करने के लिए फिर इन दोनों को इस जीन को यहाँ पर फिट करने के लिए एक नया एंजाइम चाहिए होगा और उस एंजाइम को लाइगेज एंजाइम कहते हैं लाइगेज जो लिकिंग करता है जो जॉइनिंग करता है इस तरीके से ये दोनों ज्वाइन हो जाते हैं इस तरह से अब जो ये प्लास्मिट बनाए से हम रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिट कहते हैं इसे हम रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिट इसलिए कहते हैं कि ये वो डीएनए है या वो प्लास्मिट है जिसके जीन के कॉम्बिनेशन को चेंज किया गया है इसे हम रिकम्बाइन इसलिए कहते हैं कि हमने यहां से जीन निकाला और यहाँ पे रिकम्बाइन किया यहाँ से हमने इसको सेपरेट किया और यहाँ पे दोबारा से कंबाइन कर दिया इस वजह से इस टेक्नोलॉजी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं तो जिस चीज को हमने यहाँ पे चेंज किया वो दरअसल डीएनए था इस वजह से हम इसे कहते हैं आर डी एन ए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बेट जीन टेक्नोलॉजी तो इसमें हमने जीन जो है इसमें फिट किया फिर क्या करेंगे इस प्लाजमेट को जो है वो इस होस्ट में एंटर करेंगे ये तो प्लाजमेट का डोनर था जिससे हमने प्लास्मट लिया था और ये था कौन ये दरअसल था इक्वल इक्वलाइज से हमने जीन निकाला यानी प्लास्मिट को निकाला था और इसके बाद जो हम दूसरा बैक्टीरिया इस्तेमाल करेंगे वो दरअसल कहलाता है होस्ट बैक्टीरिया होस्ट बैक्टीरिया ये होस्ट इसलिए है कि ये प्लाज्मट का होस्ट है ये प्लाज्मिट के लिए होस्ट है इसलिए कि हम वी आर कीपिंग दिस प्लाज्मेट इनटू दिस इन अदर बैक्टीरियम तो ये एक फर्स्ट बैक्टीरियम है जिसको हमने तोड़ दिया था तोड़कर निकाला

ट्रांस क्या चीज चेंज की जाती है क्या चीज ट्रांसफर की जाती है इसमें जीन ट्रांसफर किया जाता है इसलिए ऐसे होस्ट बैक्टीरिया को हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम कहते हैं ये उसका नॉर्मल डीएनए है और ये उसका आर डीएनए है यानी आर डीएनए जिसके कॉम्बिनेशन को हमने चेंज किया था होस्ट बैक्टीरिया में इकोलाई हो सकता है होस्ट बैक्टीरियम जो है वो इकोलाई भी हो सकता है यस yes, जो इकोलाई यहाँ पे इकोलाई ही है ये जो दूसरा बैक्टीरियम है ये भी इकोलाई ही है लेकिन ये ये वाला इकोलाई नहीं है जिससे हमने प्लास्मिक को निकाला था इसलिए कि हमने इसको ब्रेक करके निकाला था ये है इकोलाई दूसरा यहाँ पर क्या होगा दरअसल इस प्लास्मिक के जो जो काम है वो तो ये करेगा इसलिए कि इस प्लास्मिक में बहुत सारे जीन्स होते हैं तो जो जो काम है वो तो ये प्लास्मिट करेगा लेकिन इसमें अब एक नया जीन एंटर हो गया है जैसे वो नया इन, जीन जो है वो इंसुलिन बनाने का जीन है जो इसमें पहले से मौजूद नहीं था तो इसमें क्या होगा कि अब ये इंसुलिन अपने जो भी काम है जैसे मैंने आपको बताया कि प्लास्मिक का एक काम तो है कि इसको एंटीबायोटिक से बचाता है तो इसको ये एंटीबायोटिक से भी बचाएगा दूसरा ये इसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन को इंक्रीज करेगा ये भी ये काम करेगा और इस तरीके से कोलोसिन के इसमें जीन्स भी होते हैं यानी वो नेबरिंग बैक्टीरिया को किल करने की एबिलिटी भी रखता है तो ये जो सारे प्लास्मिक के काम हैं ये तो ये करेगा लेकिन इसके अंदर जो एक नया जीन ऐड किया गया है अगर वो इंसुलिन का जीन है तो अब ये इंसुलिन भी बनाएगा राइट लेकिन आपको पता है कि इस बैक्टीरिया को बाकायदा कल्चर करना पड़ेगा इसलिए कि जो इंसुलिन है उस वो जो है वो अमाइनो एसिड्स का बना होता है चैप्टर थ्री अगर हमने पढ़ा हो ईयर का तो हमें पता होगा कि मोस्टली हॉर्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर हॉर्मोन जो होते हैं वो भी अमाइनो एसिड की एक चेन होते हैं और वो चेन पेप्टाइड चेन कहलाती है तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं यही क्वेश्चन जो है वो दरअसल एप्टीट्यूड टेस्ट में यूं पूछा जाता है कि जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं सपोज इंसुलिन है

इस तरीके से अगर पेनक्रास में कोई डिफेक्ट होगा तो ये हार्मोन नहीं बनेगा ये हार्मोन नहीं बनेगा तो ग्लूकोज की चेन नहीं बनेगी ग्लूकोज की चेन नहीं बनेगी तो ग्लूकोज स्टोर नहीं होगा स्टोर नहीं होगा नहीं आपको पता है कि हर वक्त हमें एनर्जी की जरूरत होती है एनर्जी इज नीडेड ऑल जैसे हमारी फिंगर है अगर आपसे पूछा जाए कि इस फिंगर के सेल को फूड की जरूरत है यस अगर इसको फूड ना मिले तो क्या होगा मर जाएगी तो दरअसल कहते हैं यानी ये डेड हो जाएगी डेड हमारी फिंगर भी डेड हो जाएगी तो दरअसल कहते हैं क्या इसकी फूड को हम बंद कर सकते हैं तो दरअसल कहते हैं कि इसके फूड को बंद करने का एक तरीका है और तो तरीका ये है कि अगर हम फिंगर के ऊपर टाइट करके रबर बैंड बांध लें क्या कर लें टाइट करके रबर बैंड बांध लें रात को बांधें और सुबह उठें तो फिर क्या होगा तो होगा ये कि आपकी उंगली डेड हो चुकी होगी इसलिए कि रात भर जो ये फूड के लिए फूड 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 चिल्लाती रही होगी लेकिन इसको फूड मिलेगा ही नहीं जब इसको फूड नहीं मिलेगा तो नतीजा ये होगा कि ये मर जाएगी विदाउट फूड जो है ये हमारी फिंगर सर्वाइव नहीं कर सकती तो मैंने आपको बताया कि आप क्या करेंगे दरअसल तो देखिए टाइट करके आपने इसके ऊपर एक रबर बैंड बांध दिया ये रबर बैंड एक रबर बैंड को क्या किया इस फिंगर के ऊपर टाइट करके टाइट किया फिंगर पे और इस रबर बैंड को इसके ऊपर बांध दिया और इसके बाद टाइट करके आपको थोड़ी देर में ही होगा कि जो तो आपका रेडनेस है खत्म हो जाएगी फिंगर की ये वाइट हो जाएगा इसलिए कि इसमें ब्लड जो है वो स्टॉप हो जाएगा ये जो सारी रेडनेस है फिंगर में वो दरअसल ब्लड की वजह से ही है थोड़ी देर में ये वाइट हो जाएगा ठंडा भी हो जाएगा अगर आप इसको बांध के रखेंगे तो देखेंगे थोड़ी देर में उंगली ठंडी हो जाएगी इसलिए जो हीट है वो भी ब्लड ही पहुंचा रहा होता है अब इसमें जब हीट नहीं आएगी ब्लड ही नहीं आएगा हीट भी नहीं आएगी फूड भी नहीं आएगा ऑक्सीजन भी नहीं आएगी तो फिर क्या होगा ये फिंगर डेड हो जाएगी इस तरीके से अगर आप ये करें एक्सपेरिमेंट इतना खतरनाक सुबह को जो है वो आपकी उंगली जब भी ऐसी हिल रही है तो ये सुबह तक हिलेगी नहीं फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर को बताएंगे कि ओ भाई ये तो मेरी उंगली हिल नहीं रही पता नहीं क्या हो गया है उन्होंने कहा ये आपकी फिंगर डेड हो गई है तब फिर अब क्या होगा उन्होंने कहा बहुत आसान सा तरीका है इस फिंगर को काटना पड़ेगा कि अगर ये नहीं काटे तो क्या होगा उन्होंने कहा ये काट नहीं काटेंगे इसमें जहर फैल गया है जहर और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि फिंगर से यहाँ तक फैल जाएगा तो आपको यहां तक हाथ कटवाना पड़ेगा फिर भी नहीं कटवाएंगे उसने कहा अगर मैं फिर ना कटवाऊं तो क्या होगा फिर ये यह यहां तक फैल जाएगा तो आपको एल्बो तक कटवाना पड़ेगा अगर मैं फिर भी ना कटवाऊं तो क्या होगा उन्होंने कहा ये जहर यहां तक फैल जाएगा आपको पूरा बाजू कटवाना पड़ेगा तो आपको पूरा आर्म कटवाना है या फिंगर वो कहेगा फिर फिंगर ही काट काटने की डेड चीजें जो हैं वो हमारी लिविंग बॉडी के साथ रह नहीं सकती तो क्या पूछे सर फ्रैक्शनेशन में बैक्टीरियल सेल को ब्रेक किस तरह करते हैं फर्स्ट ईयर दोबारा पढ़नी पड़ेगी सेंट्रिफिकेशन अलग होता है फ्रैक्शनेशन अलग होता है ब्रेकिंग। तो फ्रैक्शनेशन के लिए okay the, <coughs> एक डिवाइस होती है जिसको फर्स्ट ईयर में आपने नाम पढ़ा होगा उसको होमोजेनाइजर कहते हैं और उसके अंदर बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे मोटर और पेस्ल होता है मोटर एंड पेस्ल वो क्या होता है जिसको हवन दस्ता कहते हैं कि हवन और दस्ता एक डंडी होती है वो उससे चीज़ों को तोड़ा जाता है बिल्कुल ऐसे ही इसी तरह से ही ब्रेक करते हैं राइट तो दरअसल ये मुझे जूम वालों ने रास की बात बताई है कि दो यानी ढाई मिनट के बाद आपको डिसकनेक्ट कर दिया जाएगा मेरी आवाज उनको पसंद नहीं आ रही उन्होंने कहा कि आपका बोलना बंद कर देंगे एक मिनट के बाद तो आप इसको कर लीजिएगा ताकि हम इसे कंटिन्यू कर सकें तो यहां तक की जो बात थी वो ये थी कि पहले असल में हमें वो अमायनो एसिड्स भी देने पड़ेंगे इस कि बैक्टीरिया के अमायना एसिड डिफरेंट और हमारे अमायना एसिड डिफरेंट होते हैं अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे हेयर फॉर्म कर सकते हैं नहीं कर सकते क्यों पहली बात ये है कि तो इसमें हेयर फॉर्म करने के जीन नहीं है दूसरी बात अगर जीन डाल दिए जाए तो फिर उसमें जो हमारे हेयर है उसके लिए जो प्रोटीन है उसका नाम कैरेटिन है आपने सुना भी होगा बहुत सारे शैम्पू में भी आता है कैरेटिन कंडीशनर के साथ उसमें कैरेटिन के अमाइनो एसिड नहीं है इसलिए वो कैरेटिन नहीं बनाएगा तो ये इंसुलिन का जीन ही सिर्फ डालना काफी नहीं होगा इसको इंसुलिन बनाने के अमाइनो एसिड भी देने पड़ेंगे जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया था कि कभी एप्टीट्यूड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तो इंसुलिन होता है जो लोग डायबिटिक होते हैं उनको टेबलेट के तौर पर इंसुलिन क्यों नहीं देते इंजेक्ट क्यों किया जाता है इंजेक्शन देते हैं उनको टेबलेट नहीं देते रीजन क्या है उस उसपे एक रीजन लिखा होता है कहते हैं टेबलेट बनाना मुश्किल होता है टेबलेट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और इस तरीके से अभी कोई मतलब ऐसे टेबलेट जनरेट नहीं की गई है तो इसका कोई आंसर मुझे बता सकता है कि भाई इसकी क्या वजह है उसकी नहीं दी जाती उसकी सिंपल सी वजह यह है उसकी सिंपल सी वजह यह है कि वो हार्मोन प्रोटीन का बना होता है स्टमक में जाएगा तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगी यानी अमाइनो एसिड ब्रेक हो जाएंगे जो ब्रेक हो जाएंगे तो इंसुलिन वर्क ही नहीं करेगा इसलिए इसको स्टमक इस में नहीं ले जाते इसको डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में डाला जाता है इंजेक्शन के थ्रू क्या आप आपको समझ आया क्यों इसलिए मैंने आपको बताया कि इंसुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है यानी अमाइनो एसिड का और इसके दरमियान चेन होती है इसको पेप्टाइड चेन कहते हैं जैसी स्टमक में जाएगी तो पेप्टाइड चेन ब्रेक होगी इसलिए प्रोटीन में सबसे पहले पिप्सन पेप्सिन से उसका साबका पड़ेगा इसको ब्रेक कर देगा राइट या नहीं तो इस तरह से क्या होगा वो ब्रेक